जहां दोस्तों झारखंड के क्रिस गेल यानी रॉबिन मिच ने आईपीएल से पहले मचाई खलबली। रॉबिन मिच ने इस धमाकेदार पारी से सबको किया हैरान। तो दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हैं आईपीएल से पहले रॉबिन मिच का इस धमाकेदार पारी के बारे में, तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे ताकि क्रिकेट से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं इस मजेदार वीडियो के साथ। तो दोस्तों आप लोगों को बता दें कि झारखंड का क्रिस गेल कहे जाने वाला एकमात्र आदिवासी खिलाड़ी रॉबिन मिच ने विरोधी गेंदबाजों को एक बार फिर से किया चकनाचूर। तो दोस्तों रॉबिन मिच ने विरोधी गेंदबाजों को धुनाई करते हुए ठोक डाला आईपीएल से पहले तूफानी दोहरा शतक। तो दोस्तों आइए अब जानते हैं कि रॉबिन मिच के इस तूफानी शतक के बारे में, जो कि ठीक आईपीएल से पहले आया था। तो दोस्तों आप लोगों को बता दें कि रॉबिन मिच आईपीएल में सिलेक्शन होने से पहले ही कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी में उड़ीसा के खिलाफ शानदार तरीकों से तूफानी दोहरा शतक ठोक चुका था, जिसमें रॉबिन मिच ने 199 गेंदों का सामना करते हुए 101 की स्ट्राइक रेट से शानदार 201 रन ठोका था। तो दोस्तों इसी तूफानी पारी के दौरान विरोधी गेंदबाजों ने रॉबिन मिच से रहम की भीख मांग रहा था, लेकिन रॉबिन मिच को सिर्फ चौका और छक्का मारने की भूख था, जो कि विरोधी गेंदबाजों को धुनाई करते हुए अपना भूख मिटा रहा था। तो दोस्तों आप लोगों को बता दे कि रॉबिन मिच ने अपने इस तूफानी पारी के दौरान 23 चौके और 9 गगनचुंबी छक्के लगाए थे। तो दोस्तों रॉबिन मिच के इस दोहरा शतक का सबसे मजेदार बात यह है कि रॉबिन मिच ने 140 रन केवल चौके और छक्के से बनाया था। तो दोस्तों रॉबिन मिच ने चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए ये आक्रामक पारी खेला था। तो दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं इसी तरह मजेदार नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।